हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो। प्लीज टुडे टॉपिक इज न्यूट्रन थ्योरम्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रन थ्योरम। न्यूट्रन थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल की जो वीडियो है उनको प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक की तरफ चलता हूं जिसका नाम है न्यूट्रन थ्योरम। तो न्यूट्रन थ्योरम होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्किट लेना है दोस्तों। ये हमारा कुछ सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1, R2, R3 एंड एक RL रेजिस्टेंस है। हमें करना क्या है, हमें करना है दोस्तों फाइंड करंट इन RL रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए ये हमारा सर्किट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो सबसे पहले जो करना है वो करना है रिप्लेस RL बाय शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसमें जो जिस भी कौन से भी रेजिस्टेंस में हमें वैल्यू निकालनी है करंट की, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो मैंने यहां पर मॉडिफाई किया है इस सर्किट को। ये हमारा सर्किट था, इसको मैंने मॉडिफाई किया, रिप्लेस किया RL को शॉर्ट सर्किट से, यानी कि जो वैल्यू यहां पर RL की थी वो मैंने इस फिगर में क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद यहां पर मैंने एक करंट लिया है जिसका मैंने नाम दिया है शॉर्ट सर्किट करंट। यहां पर मैंने उस करंट का नाम दिया है शॉर्ट सर्किट करंट। और यहां पर जो मैन वोल्टेज थी वो VS थी और मैन करंट था जो वो क्या था, आई था। तो यहां पर भी वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, VS और I। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालनी है। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालने से पहले मैं मैन करंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैन करंट की वैल्यू होती क्या है, वोल्टेज इन ए सर्किट, पर्टिकुलर वोल्टेज होगी किसी भी सर्किट में, और अपॉन में रेजिस्टेंस। ये हमारा ओम्स लॉ बोलता है ऐसा कुछ। तो अगर मैं इस सर्किट में लगाता हूं ओम्स लॉ, तो हमारे आई की वैल्यू जो मैन करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आई इंटू VS, क्योंकि मैन वोल्टेज है VS अपॉन R1। यहां पर शॉर्ट सर्किट कर देने के बाद जो R3 और R2 है वो क्या होते हैं, वो हमारे पैरेलल में हो जाते हैं। तो पैरेलल कॉन्फिगेशन मैंने यहां लगा दी। पैरेलल कॉन्फिगेशन लगाने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस बना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है, वो बना है R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हमारा पैरेलल कॉन्फिगेशन बन गया। हमें मैन करंट की वैल्यू है जो आ गई है हमारी। अब हम निकालते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है दोस्तों मैन करंट इनटू द रेजिस्टेंस इन विच द लूप करंट इज फॉलो फर्स्ट, यानी कि जिस करंट में ये लूप करंट, यहां से ये लूप बनेगा ऐसे, तो ये करंट यहां पर जाएगा, तो सबसे पहले जिसमें जाएगा वो हम ऊपर लेते हैं दोस्तों और नीचे लेते हैं इन दोनों का सम, यानी कि जोड़। ऐसा ही मैंने किया है, मैन करंट इनटू R3 अपॉन R3 प्लस R2, ऐसे ही लिया है। ये करंट सबसे पहले इसमें जाएगा, तो ऐसे किया मैंने। तो ये थोड़ी शॉर्टकट अप्रोच है जो आप याद रखें, और वरना अगर आपको चाहिए तो पिछली वीडियो देख सकते हैं डिविजन्स की, करंट डिविजन्स की, उसमें मैंने करवा दिया है। अब करते क्या है, इस थर्ड स्टेप क्या है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटीरियल रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टर्म हमने शॉर्ट सर्किट की थी उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, और जो हमारा जो सोर्स है उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको तो ओपन सर्किट कर देते हैं, सोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। कुछ मैंने ऐसा ही किया है यहां पर, उस सर्किट को जो ऊपर सर्किट था उसको मैंने बदला। मैंने बताया था जो हमें शॉर्ट सर्किट किया था उसको ओपन सर्किट कर दें, और जो हमारी यहां पर VS थी उसको हम डीएक्टिवेट कर दें। तो कुछ हमारा ऐसा सर्किट बन गया। ऐसा सर्किट बन जाने के कारण हम R इंटीरियर का निकालते हैं, इंटीरियर जितना हमारा बाहर की तरफ रेजिस्टेंस आता है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए अगर आप यहां देखें तो R2, R3 और R1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल हो जाने के कारण ये R2 के सीरीज में है। तो हमारा कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, R2 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, सॉरी यहां पर इनटू है और यहां पर प्लीज वो है
हमारा एड अप है, तो ये हमारा सॉर्ट वो पैरेलल अप्रोच होती है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब फाइनल सर्किट, फाइनल सर्किट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। फाइनल सर्किट बनाने के लिए हमें पिछले पीछे पीछे क्या निकाला था, हमने शॉर्ट सर्किट करंट निकाला था, आर इंटीरियर निकालना था, तो उसको करने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट के पैरलर में हम आर इंटीरियर को लगा देंगे और उसके साथ लगा देंगे आर एल को, ऐसे ही जैसे मैंने यहां लगाया है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट और ये आर इंटीरियर था जो, ये हमारा इक्विवेलेंट सोरस नेटवर्क होता है, और जो ये आर एल है जो हमने स्टार्टिंग में रिमूव किया था वो आर एल है दोस्तों। ऐसा कुछ करने के बाद ये फिगर बनेगा, ये फिगर के लिए हम आर एल निकालते हैं, यानी कि जो यहाँ करंट ड्रा हुआ आई एल, लोड करंट निकालते हैं। लोड करंट निकालने के लिए पीछे मैंने जो बताया था वही करना है। मेन करंट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट है, और वो सबसे पहले यहां से घूम के यहां आता है, तो ये ऊपर और नीचे इन दोनों का सम कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी लोड करंट आ जाएगा। लोड करंट निकाल लिया हमने यहां पर, तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं जैसा ही रिक्वायरमेंट हो। तो ये थी हमारी नॉर्टन थ्योरम दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और चैनल एंड शेयर द वीडियो प्लीज, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट। बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल आराम से हम करवा रहे हैं, सारा ऑलमोस्ट सभी सिलेबस हम करवाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद।